नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज किचन में बन रहा है नवाबी सिवई। तो अगर आपके यहाँ भी कोई स्पेशल ओकेज़न है या ईद का मौका है या आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं या फिर अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है और हमें कुछ ठंडा ठंडा खाने को मीठा मिल जाए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो आप भी बना सकते हैं अपने घर में ये नवाबी सेवई। खाने में इतनी स्याही दोस्तों, इतनी रिच डिश कि अगर आप किसी के सामने रखेंगे ना तो उसको तो मतलब देखने में भी मज़ा आने वाला और खाने में तो क्या लाजवाब लगता है। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों, घर में बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही कम चीज़ों से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है ये लंबी वाली जो सिवई नहीं होती है, पतली वाली जो अनरोस्टेड आती हैं, रोस्टेड भी आती हैं। मैंने यहाँ पे एक तो मेरे पास रोस्टेड आ गई है और एक अनरोस्टेड आ गई है। खैर हमको तो वैसे भी घी में रोस्ट ही करना है तो हम दोनों करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक सिवई का पैकेट ले लिया है लंबी वाली और इसे अब हम हाथों की मदद से इसे हम तोड़ लेंगे अच्छे से। ये वैसे बहुत पतली होती हैं तो ज़्यादा हमें इसको तेज़ आंच में रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएगी। और ये देखिए दूसरी भी मैंने निकाल ली है। जो मैंने बर्तन लिया है जिसमें मैं सेट करूँगी बनाने के बाद इसको, तो वो थोड़ा सा बड़ा है तो उस हिसाब से मेरी ये जो सिवई की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। आप जिस बर्तन में इसको बनाने के बाद सेट करेंगे उसके हिसाब से सिवई लीजिए। मैंने यहाँ पे डेढ़ पैकेट का सिवई ली हुई है तो बस इसी तरीके से हम इसे भी अच्छे से तोड़ लेंगे। देखिए तोड़ के मैंने पूरा अच्छे से चूरा बना लिया है। चूरा क्या, अच्छे से मैंने इसे तोड़ लिया है, देख सकते हैं कैसा लग रहा है। तो चलिए इसको अब हम रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी। तो ये कोशिश करिएगा कि आप घी में ही इसे रोस्ट करें या फिर बटर में रोस्ट करें, तो बटर जो हो वो अनसॉल्टेड हो। तेल में ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और एक्चुअली जब आप खाएंगे ना तो फ्लेवर उतना बढ़िया नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा जितना देसी घी या बटर में इसको रोस्ट करने में मज़ा आएगा। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट में तो ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, आपको बहुत अच्छी इसकी महक आने लगेगी। तो ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये रोस्ट होनी शुरू हो गई है। तो बस इसी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे। तो इस स्टेज में हम डाल रहे हैं आधी कटोरी यहाँ पे शक्कर का पाउडर और इसे हम पूरी सिवई में इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे चाहे तो आप खड़ी शक्कर भी डाल सकते हैं लेकिन वो ना अच्छे से मिलती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आप पाउडर शुगर का यूज़ करें। इसके बाद यहाँ पे मैंने आधी कटोरी इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। मिल्क पाउडर का इस यहाँ पे ना फ्लेवर इतना अच्छा आता है सिवई में कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस इसे हमें चलाते रहना है क्योंकि तो जैसा आपको पता है मैंने जो सिवई ली है ये बहुत पतली वाली है, तो अगर तेज आंच होगी ना तो बहुत जल्दी जलने लगती है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बस दोस्तों हमारी सिवई रोस्टेड हो गई है, तो मैंने अच्छे से मिल गई है, तो मैंने इसका एक तिहाई पार्ट निकाल लिया है और एक तिहाई पार्ट छोड़ा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ, हो सके तो आप ना यहाँ पे ऑरेंज कलर के पाउडर का यूज़ करें क्योंकि पाउडर बहुत अच्छे से मिल जाता है और जो कलर होता है वो उसको मिलाने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो बस इसको थोड़ा सा केसरिया रंग देने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसा किया है, आपको नहीं डालना है तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो बस ये भी रेडी हो गया है। तो जो मैंने पहले सिवई निकाली थी उसे मैंने ये केक टिन, मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप का केक टिन लिया है, यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी और अपने हाथों की मदद से इसे हम पूरी और चारों ओर इसे अच्छे से फैला लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये अच्छे से सेट होनी चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर सिवई को उबाला या पकाया नहीं है, सिर्फ रोस्ट किया है। अच्छे से रोस्ट होनी चाहिए, शुगर का मिल्क मेड का अच्छे से फ्लेवर आना चाहिए। बस यहाँ पे ग्लास की एक ऐसे हेल्प से आप इसे अच्छे से चारों ओर दबाइए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इधर उधर ना निकले। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना। देखिए हो गया है। चलिए अब रबड़ी की तैयारी हम कर लेते हैं। रबड़ी की तैयारी करने के लिए दोस्तों आप एक कढ़ाई ले लीजिए और यहाँ पर आप कम से कम 1 लीटर दूध का यूज़ करें। मैं यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले रही हूँ, आपके यहाँ अगर काऊ का भी है तो भी चलेगा। तो बस इसमें अब हम एक उबाल
लगा देंगे। ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को धीमा कर देते हैं, बिल्कुल लो कर दीजिए, बिल्कुल मीडियम लो, मीडियम टू लो कर दीजिए। देखिए तो बस यहाँ पे अब हम डालेंगे ये जो दूध है ना, ये मैंने इसी दूध से निकाला है जब ये उबला नहीं था। तो इसमें 2 बड़े चम्मच अब हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला फ्लेवर का है, और 2 चम्मच ही यहाँ पर हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च, वो जो कॉर्न फ्लावर नहीं आता है। हाँ बस दोस्तों, अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छे से ज़रूर मिला लीजिएगा ताकि ये जो गांठे हैं ना ये बिल्कुल नहीं रहे, नहीं तो जब ये दूध में जाएगा तो ये छोटे छोटे गांठे बना देगा, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसे अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना स्पून की हेल्प से, बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी करना है। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए गांठे आ रही है ना, इसको ऐसे दबाते हुए आप अच्छे से इसको मिला लीजिए। तो चलिए देखिए हमारे मेरा ये रेडी हो चुका है मिल्क। अब इसे मैं थोड़े थोड़े बैचेस में इसमें अपने दूध कहते डालूंगी। इकट्ठा मत डालिएगा, इकट्ठा डालने से सारा नीचे जाके लग जाएगा और छोटे छोटे से गांठे पड़ जाएंगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़े थोड़े बैचेस में डालिए और इसी तरीके से स्पैचुला की हेल्प से इसे चलाते रहिए। ये देखिए मैंने मिला लिया, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो आपका दूध है वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, क्योंकि इसमें कॉर्न स्टार्च है, आपका कस्टर्ड पाउडर है, तो इससे ना दूध आपका धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। देखिए शुरू हो गया ना, बस ये इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे ताकि जो दूध में है वो इसी तरीके से हमें पूरी तरीके से कस्टर्ड पाउडर मिल जाए, नीचे ना तली में ना लगे। तो बस इसी तरीके से हमने सारा अपना कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल दिया, और अब आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो चुका है, दिख रहा है ना। तो बस दोस्तों इसे हमें 3 से 4 मिनट पकाना है ताकि जो कॉर्नफ्लावर है और कस्टर्ड है इसका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए अब हमारा रेडी हो गया है। इस स्टेज में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मिल्क मेड, जिसे हम कंडेंस मिल्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 लीटर दूध में मैं 200 ml वाला जो टिन का डब्बा नहीं आता है, मैंने वो यहाँ पे पूरा यूज़ किया। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई भी शुगर यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ मिल्क मेड का यूज़ किया है। तो आप अगर शुगर डालना चाहते हो तो आप मिल्क मेड की क्वान्टिटी कम कर दीजिए। यहाँ पर इसको दोस्तों अच्छे से मिला लेने के बाद मैंने थोड़ी सी क्रीम डाल ली है, आप देख सकते हो, तो घर पर बची हुई थी तो मैंने डाल दिया है। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, पूरी तरीके से ऑप्शन है। इसे बस थोड़ा सा और क्रीमी बनाने के लिए, थोड़ा सा और रिच बनाने के लिए ये मैंने इसको डाला है। बस इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये पूरी तरीके से इसमें मिल जाए। तो ये देखिए कितने अच्छे से मिल गया है ना। तो बस इस अब हम यहाँ पे कर देंगे फ्लेम को बंद, और जो हमने अभी सिवई अपनी टिन में सेटिंग करी थी एक जार में, तो बस इसको अब उठा के हम उसमें डाल देंगे। ये देखिए किस तरीके से, बस इसको ऐसे यहाँ पे उठा के इसको हल्के, नहीं तो ये सीधे जाके नीचे गड्ढा कर देगी। इसे चारों तरफ से फैल चलाते हुए इसको हमें डाल देना, बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए है ना, हो गया कितना अच्छे से सेट हो गया है। अब ये जो मैंने 1/3 सिवई बचा ली थी ना, जिसमें मैंने ऑरेंज कलर डाला था इसको केसरिया करने के लिए, बस इसको चारों ओर से अच्छे से हमें एक लेयर बना देनी है। आपकी जो रबड़ी है वो गाढ़ी है तो वो नीचे नहीं जाएगी, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। इसे आप अच्छे से थोड़ा थोड़ा डाल के इसको चारों तरफ से, या तो आप चाहें तो पूरे में लगा दीजिए, आपके ऊपर है आपको कैसे डिज़ाइन बनानी है, क्या करना है इसमें एक्सपेरिमेंट। आप मैं अभी इस क्या कर रही हूँ, चारों तरफ लगाऊंगी, बीच में नहीं लगाऊंगी, थोड़े ड्राई फ्रूट से हम सीजनिंग करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से मैं चारों तरफ इसको लगा दूंगी। तो ये दूध डिश है ना, ये इतनी शाही लगती है, इतनी रिच लगती है ना, कि जब आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप उनके सामने सर्व करते हैं, तो भाई उनके मुंह से वाह तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ये देखिए चारों तरफ से मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसे मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट से सीजनिंग करूँगी। आप ये देख रहे हैं मैं ड्राई फ्रूट डाल ली हूँ, कोई ड्राई फ्रूट डूब नहीं रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी रबड़ी कितनी परफेक्ट बनी है। बस अब हम लास्ट में कुछ गुलाब की पंखुड़ियों की जो कली होती हैं, पत्ती होती है, उससे हम इसे डेकोर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि अब हमारी जो स्वीट डिश है वो कितनी स्याही लग रही है। बस इसे अब हम 3 से 4 घंटे अच्छे से फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो ये देखिए 3 से 4 घंटे हो गए हैं और कितने अच्छे से सेट हो गए। ये अभी मैं आपको टच करके दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से मैं दबा रही हूँ ना, बिल्कुल कितनी बढ़िया तरीके से ये सेट हुई है। तो चलिए आपको एक थोड़ा सा पीस निकाल के दिखाते हैं।
ये देखिए इस तरीके से। और ये इतनी शाही डिश है ना दोस्तों, मुझे तो मतलब अभी आपको दिखा रही हूँ ना, मेरे मुंह पे पानी आ रहा है। तो बस ये आपको दिखाने के बाद तो मैं इसको तुरंत खाने वाली हूँ। तो ये देखिए ना कितनी बढ़िया शाही और लग्जरी सी डिश है। तो ये देखिए आ रहा है ना मुँह में पानी। तो भाई मुँह में पानी मत लाइए, इसको घर पे बनाइए। कितनी आसानी से बन गई है आपने तो देख ही लिया है। तो इसे घर पे ज़रूर बनाइएगा, ईद आने वाली है, ईद के मौके पे बनाइए और अपने दोस्तों को खिलाइए। और हमें कमेंट बॉक्स के में आके ज़रूर बताइए कि कैसी बनी। और इसी तरीके से हमारे चैनल को और हमें प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।